तो ये जो सबूत हमारे पास है, मैं खुद मीडिया के सामने उसको पब्लिश करूंगा, मीडिया के सामने दूंगा, पर यहां से लेकर मुंबई तक मैं कंप्लेन दाखिल करूंगा। लेकिन जो लोग कानून हाथ में ले रहे हैं, जो अपने आप को कानून हाथ में लेकर खुद कार्रवाई कर रहे हैं, हम इनकी मुजम्मत करते हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। आज मालेगांव शहर के एडिशनल एसपी खांडवी साहब से एक शिष्टमंडल वफ्द की शक्ल में आज हमने मुलाकात की। मालेगांव शहर, मालेगांव तालुका और सटाना और पिप्पलनेर, नामपुर, जायखेड़ा, इन इलाकों में हमारे ये जो साथी आपको नज़र आ रहे हैं, ये लोग जानवर का धंधा करते हैं और इनके पास मार्केट कमेटी का लाइसेंस है। दो तीन व्यापारी हमारे हैं बड़े, और बाकी लोग इनके पास लेबर वर्क करते हैं, काम करते हैं। और ये जुमरात के दिन देहातों से, शेतकरी भाइयों से, किसानों से जानवर खरीद कर मार्केट के अंदर लाकर जो बाज़ार लगता है कानूनी तौर पर, वहाँ पर बेचते हैं, सेल करते हैं। लेकिन ये दो तीन महीने, चार महीने से मालेगांव तालुका ग्रामीण भाग और सडाना तालुका और जायखेड़ा, नामपुर, पिप्पलनेर वगैरह इलाके में कुछ लोग जो गौ रक्षा समिति के अपने आप को बताते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो गौ रक्षा समिति के लोग हैं। अधिकृत कानूनी तौर पर वो गौ रक्षा समिति के लोग नहीं है, वो लुटेरे हैं, वो किडनैप करने वाले हैं, वो धर्म के नाम पर धंधा व्यापार करने वाले लोग हैं, ऐसा मुझे शंका है। और आज मैं उनका नाम जाहिर नहीं करता, लेकिन एडिशनल एसपी साहब को हमने डिटेल बताया है। वो लोग रास्ते में गाड़ियां रोककर इन लोगों को रुकाते हैं, इन लोगों को मारते हैं और जानवर भी लूट के लेके चले जाते, और पुलिस के पास बाद में खाली गाड़ी और ये लोगों को जमा करा देते हैं बाद में, और पुलिस भी इनकी फरियाद नहीं लेती। ये बोलते हैं कि हमको मारा गया, हमारे जानवर लूट लिए गए, पुलिस इनके तरफ ये फरियाद नहीं लेती है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, उल्टा इन्हीं के ऊपर हो गया, इनको जेल में डाल दिया जाता है। तो ये मालेगांव तालुका पुलिस स्टेशन में भी हुआ, ये सटाना पुलिस स्टेशन में भी हुआ, ये जायखेड़ा पिप्पलनेर इलाके के अंदर पुलिस स्टेशन के अंदर भी हुआ, इसके अंदर किला पुलिस स्टेशन भी शामिल है। तो एक तरफा कार्रवाई पुलिस कर रही है, जो लुटेरे हैं, जो किडनैप करने वाले हैं, जो धर्म के नाम पे धंधा व्यापार करने वाले हैं, इन लोगों को छोड़ दिया जा रहा है, इनका माल भी नहीं पूछा जा रहा, कहाँ जा रहा है, गौ रक्षा समिति में रिकॉर्ड है कि नहीं है, ये तमाम ही चीज़ें, और इनको मारा गया और बहुत गंभीर इनको जख्म आई है, सीरियस जख्म आई है। इनके साथ बहुत ऐसी वारदातें हुई है जो आज मैं मीडिया के सामने बोलना उचित तो नहीं है। आज एडिशनल एसपी साहब से हमने रिक्वेस्ट की है कि ऐसे लोगों को ढूंढ कर इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। दीपावली का त्यौहार है, इसके लिए हमने उनको कहा है कि 8-10 दिन के अंदर आप कार्रवाई करें। और मैं लेखी स्वरूप से, ये खुद भी मेरे पास एक कंप्लेन लेकर आए थे, मैं खुद भी इनका लेटर और मेरा लेटर ज्वाइंट लगाकर सबूत के साथ, इनको जो मारा गया, इनकी गाड़ी जो लूटी गई, जो गाड़ी के अंदर टायर के नीचे खिल्ला बिछा दिया जाता है और उससे गाड़ी पंचर कर दी जा रही है, अगर कल खुदा ना खास्ता इनके अंदर से किसी की मौत हो जाती या इनके साथ कुछ ऐसा हादसा हो जाता जो मालेगांव शहर और तालुका के लिए ठीक नहीं होगा, हिंदू मुस्लिम वातावरण खराब होने की शंका है। ये शहर पुरअमन शहर है, ये शहर में 2001 के बाद से कोई ऐसी वारदात नहीं हुई, लेकिन कुछ लोग इस तरीके की वारदात अंजाम देना चाहते हैं। तो पुलिस डिपार्टमेंट से हमने आज रिक्वेस्ट किया है कि आप ऐसे लोग पर कानूनी कार्रवाई करें। दूसरी बात, अगर ये जितने साथी हमारे हैं, अगर ये कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं ऐसा मान के चलिए, हम तो ये नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर पुलिस को लगता है तो पुलिस ने कार्रवाई करना, उनको अधिकार है, उनको कानून ने इजाज़त दी है, बाकी दूसरे लोग को किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है।
और यही हमारी रिक्वेस्ट है कि पुलिस ने कार्रवाई करना, 8-10 दिन के अंदर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो ये जो सबूत हमारे पास है मैं खुद मीडिया के सामने उसको पब्लिश करूंगा, मीडिया के सामने दूंगा, और यहां से लेकर मुंबई तक मैं कंप्लेन दाखिल करूंगा, जरूरत पड़ने पर पुरअमन तरीके से हम लोग एहतजाज करेंगे। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब ने जो संविधान लिखा हम उसको मानने वाले हैं, कानून को मानने वाले हैं। हम कानून हाथ में ना किसी को लेने देंगे और ना खुद लेते हैं, लेकिन जो लोग कानून हाथ में ले रहे हैं, जो अपने आप को कानून हाथ में लेकर खुद कार्रवाई कर रहे हैं, हम इनकी मजम्मत करते हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए।